आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की। आज फिर से हमारे चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस संसार में रहते हुए एक विश्वासी के लिए सबसे जरूरी है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये बातों हमें मत्ती 28 के 20 आयत में मिलता है कि जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण को जाने लगे तो चेले लोग व्याकुल होने लगे, परंतु यीशु ने अपने चेलों को आश्वासन दिया कि मैं जगत में अंत तक तुम्हारे संग रहेंगे। इसी कारण वह स्वर्ग को जाने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को उसने पवित्र आत्मा को भेज दिया ताकि प्रभु की उपस्थिति महसूस कराए। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वर्ग जाकर विश्वासियों के लिए दिया हुआ सबसे बड़ा दान है पवित्र आत्मा को दिया, और हर एक विश्वासी लोगों को पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने इन बातों को रखना चाहता हूं ताकि आपके अंदर पवित्र आत्मा होने का सबूतों के बारे में पता चल सके। तो हम आज पवित्र आत्मा होने का लक्षण के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, आज मैं 7 चिन्ह को आप सबके बीच में लाया हूं, जो आप उन 7 चिन्हों से आप अपने आप अंदर जांच पाएंगे कि क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। नंबर 1, उद्धार के प्रति आत्मविश्वास होना। हाँ मेरे प्रियो, उद्धार के प्रति आत्मविश्वास और हमें वचन की ओर देखते हैं, जैसा कि रोमियो 8:16 आयत में कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। सो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है तो आपको बार बार ये बातें याद रहेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। जब कभी भी हम संसार के बुरे बुरे कामों को करने से पहले पवित्र आत्मा आपको यह स्मरण कराएगी कि ये काम नहीं करना है, और आपके जीवन के दुख और संकट के समय में भी पवित्र आत्मा के द्वारा आश्वासन मिलेगा कि आप परमेश्वर के संतान हो। सो मेरे प्रियो, इस संसार में रहते समय विश्वासियों के जीवन को हर तरह के पाप और धार्मिकता के बारे में पवित्र आत्मा समझाती है, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे होने के कारण सही रास्ता में अगुवाई करना पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए ऐसे लोगों के पास स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति उद्धार पाए हुए हैं। दूसरा, आत्मा के वरदान पाना। सो मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के चेलों पर उतरा, जहाँ पर लगभग 120 लोग थे, और उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो वे सब लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और मेरे प्रियो, अन्य भाषा पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक है। पवित्र आत्मा के और भी वरदान हैं, जो कि 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में मिलता है। वहाँ पर मेरे प्रियो, आत्मा के 9 वरदानों के बारे में लिखा है, जैसा कि बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास की वरदान, चंगाई करने का और सामर्थ्य की काम करने का और भविष्यवाणी करने का और आत्माओं का परख करने का, अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताना, ऐसे ऐसे बहुत सारे वरदान परमेश्वर के आत्माओं के विषय में लिखा है, और पवित्र आत्मा जिसे भी चाहते हैं उसे बांट देते हैं। तीसरा चिन्ह, आत्माओं का फल होना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पेड़ फल से ही पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झरबेरी से अंगूर। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है तो इन फलों से पता चलता है कि जैसे कि हम गलातियों के 5:22 और 23 पद में आते हैं,
रहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सो मेरे प्रिय दोस्तों, ऊपर दिए गए फल हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और जब मेरे जीवन में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं तो हम आप समझ पाएंगे कि हमारा काम नहीं है, हमारे अंदर ही पवित्र आत्मा का अगुवाई है और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा है जे मेरे अंदर से ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। चौथा चिन्ह है मेरे प्रियो, बाइबल के बातों को समझने का अनुग्रह और आशीष पाना। तो मेरे प्रिय दोस्तों, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने से बाइबल में लिखी गई वचन को समझने का आशीष भी हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब स्मरण कराएगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट अपने लोगों को कहा, अपने चेलों को कहा कि जब सहायक वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा तो वो है जो मेरे नाम से पिता तुम्हारे पास भेजेंगे, वो जो आएगा तो तुमको सब बातों को सिखाएगा, क्या तुम्हें बोलना है, क्या कहना है और क्या करना है, और मेरे बारे में पूरा है जो सब कुछ है जो तुम्हें स्मरण कराएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है मेरे प्रियो। जैसा कि हम पांचवें चिन्ह की ओर चलते हैं, पांचवा चिन्ह है सुसमाचार प्रचार करना। मेरे प्रियो, जब आपके पास पवित्र आत्मा है तभी आप है जे सुसमाचार को प्रचार कर पाएंगे, अन्यथा जब अपने इच्छा से आप प्रचार करेंगे तो वो ज्यादा दिन तक आप नहीं कर पाएंगे और ज्यादा दूर तक नहीं कर पाएंगे, ज्यादा लोगों से आप नहीं मिल पाएंगे। जैसा कि हम प्रेरितों के कार्य 1:8 में पाते हैं, वचन कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब वो प्रभु की आत्मा, वो जब पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है तभी आप है जो उनकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पा करके तभी आप सुसमाचार को प्रचार कर पाएंगे, तभी आप लोगों को पास है जे पहुंच पाएंगे और प्रभु के हरेक गुप्त भेदों को और रहस्यों को आप बता पाएंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, जब आपके पास वो सहायक नहीं रहेगा आप है जे ज्यादा दिन और ज्यादा समय तक आप उस बातों कामों को नहीं कर पाएंगे और उस काम को करने में मन भी नहीं लगेगा। जैसा कि हम छठे चिन्ह की ओर चलते हैं और वो है पवित्रता का जीवन जीना। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो हमेशा वो आपको अगुवाई करेगा, हमेशा आपको है जो बताएगा और हमेशा है जो सर्वदा आपके साथ रहेगा, तो वो आपको हमेशा स्मरण दिलाएगा। जैसा कि यूहन्ना 14:16 में हम पाते हैं, कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ मेरे प्रियो, जब वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, वो प्रभु का आत्मा आपके साथ रहेगा तो वो सारे चीजों से आपको है जो बचाएगा, हर एक बुराइयों से बचाएगा, हर एक पापों से बचाएगा, हर एक व्यभिचारों से बचाएगा, हर एक गंदी लतों से बचाएगा और हमेशा है जे आप प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप पवित्रता का जीवन आप जी पाएंगे और हमेशा है जे आपको हर एक बातों को इंडिकेट करेगा, हमेशा हर एक बातों को आपको है जे बताएगा कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, ये पाप है, ये पर प्रभु माना करते हैं, इससे प्रभु घृणा करते हैं। वो सहायक जब आएगा तब सर्वदा वो तुम्हारे साथ रहेगा। तो मेरे प्रियो, सतमा और अंतिम वो चिन्ह है निरंतर प्रार्थना करना। हाँ मेरे प्रियो, जब आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है तभी आप निरंतर प्रार्थना कर पाओगे, अन्यथा आपको प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, प्रार्थना आपको करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि हम आप जब भी प्रार्थना करने के लिए आप बैठोगे तो आपका ध्यान इधर उधर भटकना शुरू हो जाएगा, परंतु आपके अंदर वो पवित्र आत्मा जब रहेगा तो आपको आहें भर भर करके आप प्रार्थना कर पाएंगे, आप आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना कर पाएंगे और उस प्रार्थना का आपका प्रतिफल भी मिलेगा और उस प्रार्थना का उत्तर भी मिलेगा।
मेरे प्रियो, ये जो सात जो चिन्ह है, जो पवित्र आत्मा के लक्षण आपके अंदर होने का, ये सात चिन्ह और लक्षण को मैंने जो बताया, उस सबूतों को आप अपने अंदर जांच के देखें कि क्या हमारे अंदर ये सात सबूतें मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें और उनसे बुद्धि और ज्ञान मांगे, उनसे वरदान मांगे, क्योंकि प्रभु जिसको जिसको चाहता है वो पवित्र आत्मा उसे बांट देता है, वो दे देता है। आप प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें और आप मांगे, आपको ये पवित्र आत्मा जरूर है जे आपके अंदर आएंगे और ये सात जो सबूत है, सात जो ये बातें हैं आपके अंदर से दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो में बने रहे। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से, आज के संदेश से आपको प्रभु जरूर कुछ आशीष देंगे, आप जरूर आशीषित होंगे। आप वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको अंदर प्रभु है जे अपनी पवित्र आत्मा को सामर्थ को रेल दे, ताकि आप इन सात है जे लक्षणों को आपके अंदर दिखाई देने पाए। मेरे प्रियो, हम आप सब से निवेदन करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी आगे के नेक्स्ट वीडियो भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।